पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए भाजपा ने किया सस्पेंड। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया गया है। साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। नुपुर शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर एक्शन के बाद नुपुर शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया है। नुपुर शर्मा ने लिखा है, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत सी शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। नुपुर ने आगे लिखा कि मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। उन्होंने लिखा कि अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। भाजपा की अनुशासनात्मक समिति की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के राय के विपरीत जाकर विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि इसके संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। पत्र में कहा गया, आगे की जांच तक आपको पार्टी से तथा पार्टी के जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।